दो तीन चीजें पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये था, हमने पहले तय किया था, पहले हमने एक लेक्चर अटेंड किया था जो इंसेक्ट कलेक्शन के बारे में था, ठीक है। और सेकंड जो हमारा लेक्चर था वो था उसके बारे में इंसेक्ट रियरिंग इन द लेबोरेटरी, ऐसा ही बेटा। ये जो दो चैप्टर है हमने पढ़ लिए, इंसेक्ट कलेक्शन का भी और इंसेक्ट रियरिंग इन द लेबोरेटरी पढ़ लिया हमने। यस सर, पढ़ लिया जी बेटा। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि एक तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स बनानी है, जो चीजें मैं करा रहा हूँ काम, इनको आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। और नोटबुक्स के ऊपर आपने अपनी जो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जहाँ कोई डायग्राम है या कोई फिगर है, कोई भी एक नेट से तार के लगा सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं, वो आपने लगानी है उसके ऊपर। तो जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं पिछले दो चैप्टर, उनको आप बुक के ऊपर लिख लीजिए। और ये जो अब तीसरा आज हम पढ़ेंगे वो लेबोरेटरी रीडिंग ऑफ ट्राइकोग्रामा के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा बेटा मैंने एक असाइनमेंट दी थी आप लोगों को, जिसमें मैंने बताया था आपको कि आप फील्ड से जाके कलेक्ट करेंगे और अपनी वीडियोस बनाएंगे कुटीजिया ग्लोमेरेटा की, ना जो पायरस ब्रासिके के लार्वे फील्ड से कलेक्ट करेंगे और उसमें से जो आप वो कुटीजिया जो है उसको लेबोरेटरी में रेयर करेंगे। तो मेरा हाल है इसमें कुछ लोगों ने किया जी बेटा। आपने वो पिक्चर्स अपने अपलोड कर दी हैं? जी सर। पिक्चर्स किस चीज की शेयर करनी थी जस्ट? जी मैंने बेटा आपसे कहा था, अली रजा से भी और आपसे भी कह रहा हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि आपने उसकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाए, कि आप उसमें वीडियो दिखाएं और उसके नीचे बताएं कि इस तरह मैं फलानी डेट को फलानी जगह पे गई और वहां से मैंने कलेक्शन की, ठीक है, ताकि जो लोग भी सुने उन्हें पूरे प्रोसीजर का पता लग जाए। सारी ड्रेस को और साथ साथ पिक्चर्स भी आती जाए, तो वो उसके मैंने आपको बताया था जो पीछे काम करेंगे उसके उनको मैं पॉइंट्स मार्क्स भी दूंगा उसके, ठीक है। हमारे प्रैक्टिकल पार्ट का हिस्सा है। अली रजा का भी आया और एक दो शायद और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया, तो ये आपने बेटा इसको कर देना अपलोड। और इसकी भी आपने अपनी नोटबुक, जिन्होंने नहीं भी किया वो भी कोशिश करें कि प्रैक्टिकल नोटबुक पे इसको लिखें, इसको सारे प्रोसीजर को। यस सर, ठीक है बेटा। अच्छा, आज ये बातें खत्म हो गई और नेक्स्ट अब जो हमारी बात है वो आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी रीडिंग ऑफ ट्राइकोग्रामा। आपको मैंने शायद क्लास में बताया था जो ट्राइकोग्रामा है ये एक पैरासिटॉइड है और बहुत यूजफुल है, इसलिए कि हमारे जो बहुत सारे नोटोरियस या बहुत ज्यादा जो नुकसानदेह कीड़े हैं हमारे, उनको ये एग स्टेज पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो इसकी एफिकेसी तो है ही है, और इसके अलावा फिर ये है कि जब आप एग पैरासिटॉइड यूज करते हैं तो आप अपने जो पेस्ट है, पेस्ट इंसेक्ट है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, उनको बिल्कुल कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही खत्म कर देते हैं। बाकी हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, नुकसान करते हैं ना, एग्स तो नुकसान नहीं कर सकते। तो जब लार्वा बन जाता है और वो कुछ ना कुछ डैमेज कर चुका होता है तो फिर हम उसे को पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं और उसको कम करते हैं या खत्म कर देते हैं। लेकिन एग पैरासिटॉइड के केस में यह है कि अभी लार्वा बने नहीं होता तो उसको कंट्रोल उसको खत्म कर देते हैं, इसलिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासिटॉइड है। और प्रोड्यूस किया जाता है पैरासिटॉइड को तो। और इसकी दूसरी जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि ये इसको लेबोरेटरी में हम बड़ी आसानी से ना हम इसको रियर कर सकते हैं, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी पता करें बात करेंगे। और ये जो है मैंने कहा है जैसे कि ये बहुत सारे जो हमारे नोटोरियस या बहुत नुकसानदेह कीड़े हैं उनको ये कंट्रोल करता है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा हमारी फील्ड क्रॉप्स को नुकसान लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये लेपिडॉप्टर करता है, फिर कुछ ना न्यूरोप्टरा को, कोलियोप्टरा को, हाइमेनोप्टरा को भी करता है, लेकिन जो मेजर इसका होस्ट है वो लेपिडॉप्टर है। आप अपने पास उसमें से देख सकते हैं। तो
जो ट्राइकोग्रामा है ये इसका साइज जो है बहुत ही माइन्यूट इंसेक्ट है, 0.2 से 1.5 मिलीमीटर इसका साइज होता है। इसका फैमिली का नाम है ट्राइकोग्रामिटिडी और ये बिलोंग करता है ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा से। और ये करता क्या है कि ये जो है इसकी फीमेल फील्ड में जाती है और फील्ड क्राफ्ट में, और वहां जाके देखती है कि जो लेपिडोप्टेरा के जितने मौत हैं या बोरर्स हैं, शुगर केन बोरर्स हैं, कॉटन बोरर्स हैं, या लेपिडो उसका है काइलोपार्टेलस है मिसाल के तौर पे जो मेज के ऊपर आता है, तो ये सब नोटोरियस पेस्ट हैं, बहुत नुकसान करते हैं। इनके अंडों को तलाश करता है और उनके अंडों के अंदर जो ट्राइकोग्रामा की फीमेल है उनके अंदर एग लेइंग कर देती है, और जब वो एग लेइंग करती है तो उन अंडों में जो जो पेस्ट का लार्वा है वो डेवलप नहीं होता, बल्कि हमारे जो पैरास्टाइड है ये वाला ट्राइकोग्रामा इसके जो मतलब यंग वंस है वो उसके अंदर नरिश होते हैं और उसमें से अपनी लाइफ स्टेज कंप्लीट करने के बाद और उसमें से बाहर निकल आते हैं एडल्ट बन के। और पैरास्टाइड का आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैरास्टाइड यही होता है कि वो उसका जो यंग वन होता है वो होस्ट के अंदर होता है और जो उसका एडल्ट होता है वो फ्री लिविंग होता है, होस्ट से बाहर होता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये अच्छा, अब पाकिस्तान में ना हमने कोई 7 स्पीशीज रिपोर्ट हुई हुई है जो पाकिस्तान से ट्राइकोग्रामा की इस्तेमाल जो रिपोर्ट है आइडेंटिफाइड है पाकिस्तान से, वो 7 स्पीशीज हैं, वो आप नेट के ऊपर से बेटा ये देख सकते हैं और आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है कौन कौन सी स्पीशीज हैं। आप लिखिएगा ट्राइकोग्रामा स्पीशीज फ्रॉम पाकिस्तान, उसमें मेरा पेपर भी है जिसमें मैंने 7 स्पीशीज रिपोर्ट की है, और शायद मेरा ये वाइड पेपर है जो पाकिस्तान से जिसने मैक्सिमम स्पीशीज रिपोर्ट की हुई है, बाकी किसी से 1, 2, 3 शायद की हुई हो, तो ये आपको वहां से मिल जाएगी, उसकी डिटेल भी आप लोग पढ़िए केस के बारे में। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमनली वाइड स्प्रेड यूज स्पीशीज ट्राइकोग्रामा काइलोनस है, और उसके अलावा डेंड्रोली ट्राइकोग्रामा डेंड्रोलिमी है, ऑस्ट्रीमी है, और बहुत सारी स्पीशीज हैं जो इसको बायोकंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपको नजर आ रही है फीमेल ट्राइकोग्रामा लेइंग लेज एग्स इनसाइड दी मॉथ एग्स, तो आप देख रहे हैं फीमेल एग के ऊपर है और वहां अंडे देती है, एक दिन के बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है लार्वे की, और आफ्टर 3 to 4 डेज जो है जो होस्ट एग है वो इट बिकम्स ब्लैक। तो ब्लैक होने का मतलब यह है कि उसका प्यूपा बन गया, और दूसरा ये भी मतलब है कि इसमें हमारा जो पैरास्टाइड है उसने सक्सेसफुली इसको पैरास्टाइज कर दिया। तो ब्लैक एग्स जो है वो इंडिकेशन है कि ये पैरास्टाइज्ड एग है। तो फिर आफ्टर 4 to 5 डेज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर इसमें से एडल्ट एक होल करके, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, एक होल करके उसमें से एडल्ट बाहर निकल आता है। ये इसका लाइफ साइकिल है। अब इसको जब हमने लेबोरेटरी में रियर करना है तो इसके लिए जो बुनियादी चीज हमें चाहिए वो ये चाहिए कि सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि जो इसका होस्ट एग्स है तो वो हमारे पास बड़े अच्छा। अब हम पहली बात तो ये देखनी है कि हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं इसको लार्ज स्केल में लेबोरेटरी में रियर क्यों करते हैं। हम इसको लेबोरेटरी में रियर इसलिए करते हैं कि हमें जो फील्ड में इसको रिलीज करने के लिए ट्राइकोग्रामा चाहिए वो बहुत बड़ी तादाद में चाहिए, ताकि हम फील्ड में इसको रिलीज करें और इसकी जो पॉसिबिलिटी है एग्स तक पहुंचने की, यानी फील्ड में हो सकता है नेचुरली भी मौजूद हो ये, लेकिन वो शायद इतनी मकदार में नहीं होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जहां जहां कहीं के भी अंडे मौजूद हो ये, वहां पे हमारा ट्राइकोग्रामा पहुंच कर उसको उन अंडों को डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम जो इसका होस्ट है, दो मुख्तलिफ किस्म के होस्ट लेबोरेटरी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। पहले उसका नाम है साइटोट्रोगा सीरियलेला और दूसरा है कॉर्सीरा सिफेलोनेका। इसका नाम राइस मॉथ है और दूसरा ग्रेन मॉथ है। तो इन दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इसकी। तो सबसे पहले तो हमारे पास होस्ट एग्स होने चाहिए। तो अगर हम मिसाल के तौर पर राइस मॉथ इस्तेमाल करते हैं, कॉर्सीरा जो एग्स है मिसाल के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं, या साइटोट्रोगा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए उनकी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं हमारे जो फूड ग्रेन्स है, आटा है, गंदम है, चावल है, या जो मेज है, सॉर्गम है, इन सब में ये ग्रो कर सकता है। तो जो भी चीज ग्रेन हमें मिलते हैं
वो ग्रेन्स हमने ले लेने हैं और उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद तकरीबन 2 kg करीब जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं उनको हम एक प्लास्टिक जार में डाल लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो कॉर्सिरा एग्स हैं वो डाल देते हैं। उसके एग्स थोड़े से जो हमें स्टार्ट करने के लिए चाहिए कहीं से हम अरेंज करके कलेक्ट करके वो ले आते हैं और उसको 2 kg जो ब्रोकन ग्रेन हमने उसमें डाले प्लास्टिक जार में, तो उसके अंदर हम कॉर्सिरा एग्स को स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि वो फैल जाए। और जब वो फिर स्प्रिंकल करते हैं तो 3-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद टेम्परेचर के डिपेंडिंग करते हुए उसमें से लार्वे निकलेंगे। वो लार्वे उसके ऊपर फीड करना शुरू कर देंगे जो ग्रेन्स हैं और उसमें से फिर कुछ दिनों बाद उसके एडल्ट्स बन जाएंगे। उन एडल्ट्स को हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास एक सक्शन पंप होता है उसके जरिए उसको बॉक्सेस में कलेक्ट कर लेते हैं। जो एडल्ट होस्ट हैं कॉर्सिरा के एग्स मौत हैं या साइटोट्रोगा के मौत हैं इन दोनों में जो भी हम रियर कर रहे हैं उनको जब वो रियर वो जो हमारा प्लास्टिक जार था जिसमें ब्रोकन ग्रेन्स डाले थे और इसके होस्ट के एग्स डाले थे तो जब वो डेवलप होके एडल्ट बन जाते हैं तो उन एडल्ट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। उन एडल्ट्स को फिर क्या करते हैं हम एक अलहदा केज में रखते हैं और वो आफ्टर मेटिंग जो है वो उसमें केज में अंडे देने शुरू कर देते हैं। तो वो जो अंडे होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और उन अंडों को इकट्ठा करने के बाद हम फिर एक क्या कहते हैं एक कागज की स्ट्रिप लेते हैं और उस स्ट्रिप के ऊपर हम उसको एक गोंद के साथ गोंद लगाते हैं और उसके ऊपर जो जो एग्स इकट्ठे किए हैं कॉर्सिरा के या साइटोट्रोगा के उनको उस जो कागज की स्ट्रिप है उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो वो उस कार्ड के साथ चिपक जाते हैं। तो अब हमारे पास जो होस्ट के एग्स हैं वो हमारे पास हमने कार्ड के ऊपर गोंद लगा के उनको चिपका दिए और अब वो रेडी है हमारे पास कि हम उसको फीमेल ट्राइकोग्रामा को प्रेजेंट करें और वो उसके अंदर एग लेइंग करें और उसके बाद हमारा जो है वो कार्ड तैयार हो जाएगा फील्ड में रिलीज करने के लिए। अब हमारे पास जो है ना होस्ट एग्स आ गए। अब हमने ये काम करना है, ये पहला स्टेप तो ये था। अच्छा, अब जो कार्ड हमने बनाया है जिसके ऊपर एग्स को लगा दिया पेस्ट कर दिया है उस कार्ड के ऊपर हमने लिखनी है डेट ऑफ जो एग्स की जो डेट है वो लिखनी है कि कब ये एग प्रोड्यूस हुए थे और इसकी जो डेट जो एक्सपेक्टेड डेट है कि किस दिन को। मिसाल के तौर पे आपको पता है अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 7 दिन के बाद इसमें से निकल आएंगे। तो अगर आपने यकम तारीख को यकम मई को रखा है और आप समझते हैं शायद 9 मई को इसमें से अडल्ट निकल आएंगे तो आपने वो डेट भी लिख देनी एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है, ताकि जब आप फील्ड में रखें तो आपको पता हो कितने दिनों के बाद इसमें से ट्राइकोग्रामा निकल आएगा। अच्छा, अब ये सारे जो कार्ड हमने बना लिए इन कार्ड्स को अब हमने फीमेल ट्राइकोग्रामा को प्रेजेंट करना है। अब दूसरा जो स्टेप है इसका वो ये स्टेप है कि जो फीमेल ट्राइकोग्रामा है या ट्राइकोग्रामा का हमने एक कल्चर चलाना है। उसके लिए आपके पास या तो किसी लेबोरेटरी से आप ट्राइकोग्रामा लेंगे, नहीं मिल रहा तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड से एग कलेक्ट करके लाने पड़ेंगे मौत के जो इसके होस्ट हैं लेपिडॉप्टर मौत के और उनको आपने लेबोरेटरी में रियर करके उसमें ट्राइकोग्रामा जब इमर्ज हो जाएगा तो उसको आपने एज ए जो कॉलोनी को स्टार्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे आप। तो उस जो ट्राइकोग्रामा आपके पास लेबोरेटरी में ऑलरेडी मौजूद है चाहे आपने फील्ड से कलेक्ट किया है या किसी लेबोरेटरी से लाए उसको आपने एक बॉक्स में डाला हुआ है केज में ना प्लास्टिक केज में। तो उसमें आपने आप जो एग्स की जो एग कार्ड था जिसके ऊपर हमने एग्स पेस्ट किए थे साइटोट्रोगा के या कॉर्सिरा के उस कार्ड को जिसके ऊपर हमने लेबल भी कर दिया था कि ये कब निकलेंगे कब हम इसको पेरेस्टाइज करा रहे हैं डेट ऑफ पेरेस्टिज्म और डेट ऑफ एक्सपेक्टेड एमरजेंसी ये दोनों उसके ऊपर लिखी हुई है। ये कार्ड अब हमने उठा के जिस जार में हमारे पास ये ट्राइकोग्रामा पेरास्टाइड मौजूद है उसके अंदर हम रख देंगे। अब क्या होगा कि जो फीमेल्स वहां पे उसके अंदर मौजूद है जार के अंदर वो दे स्टार्ट पैरास्टाइजिंग दी होस्ट एग्स तो फौरन उन एग्स के ऊपर आके बैठेंगे और एग देनी शुरू कर देंगे उसके अंदर। तो आपने तकरीबन 24 घंटे के लिए रखते हैं आप उसको उसके अंदर
एक दिन रख दें और दूसरे दिन निकाल लें उसमें से। तो अब जितने भी आपके पास कार्ड हैं उन सबको कार्ड्स को इस तरह अपनी उसमें रखते जाएं और 24 घंटे के बाद आप उसको उसमें से निकाल लें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उन कार्ड्स को निकाल के एक नए प्लास्टिक जार में रख देना है। तो उसके ऊपर आपने देखना है तीन दिन के बाद, जैसे कि मैंने पहले बताया था लाइफ साइकिल में, तो वो अगर पैरास्टाइज हो गए हैं तो उनका कलर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कितने अंडे जो हैं इसमें से पैरास्टाइज हुए। तो अगर टेम्परेचर वही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1-2 जो भी डिग्री टेम्परेचर है, तो वो तकरीबन 7-8 दिन के बाद इसमें से निकलने शुरू हो जाएंगे एडल्ट्स। अच्छा, तो लेकिन हमने ये करना है, क्योंकि हमने कल्चर तो इसका मजीद नहीं चलाना, हम तो ये चाहते हैं जो कार्ड तैयार हो गए हैं उसके ऊपर डेट भी लिखी हुई है, तो जैसे ही उनके अंडों का, अगर आपने इनको फील्ड में रिलीज करना है तो 3 दिन के बाद जैसे ही वो ब्लैक होंगे, जो होस्ट एग्स हैं कॉर्सिरा के या साइटोट्रोगा के, तो उससे हमें पता लगेगा ये पैरास्टाइज हो गए, तो उन कार्ड्स को आप जाके अपनी शुगर केन की क्रॉप है या मेज की है या राइस की है, उन कार्ड्स को जाके आपने स्टेपलर एक साथ ले जाना है और रेंडमली पूरी फील्ड के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेपल करते जाना पत्तों के साथ। तो वो 7-8 दिन के बाद उसमें से एडल्ट्स निकलेंगे और वो फील्ड में जाके एग तलाश करेंगे और इस तरीके से वो आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल करने में मदद देंगे उसकी। तो ये बेटा ब्रीफ सी इसकी डिटेल है और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेटा ये अनफॉर्चुनेटली पैरा ये हमारा सिस्टम सारा खराब हो गया पैंडेमिक की वजह से, अदरवाइज मेरा इरादा ये था कि मैं NARC से आमतौर पर क्लास के लिए साइटोट्रोगा के एग्स मंगवा लेता हूँ, होस्ट एग्स जो है, और एक कल्चर भी मंगवा लेता हूँ ट्राइकोग्रामा का, तो फिर हम फील्ड अपने लेबोरेटरी में इसको रख के करते तो शायद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते। लेकिन अभी भी मैंने कोशिश तो की है कि आपको इसका पूरा आइडिया हो जाए, लेकिन अब आपने करना यह है कि इसको नेट के ऊपर देखना है और इसको आपने पिक्चर्स के साथ, नेट के ऊपर इसकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, उनको आपने पिक्चर्स नेट से ले लें या हाथ से बना लें और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। ठीक है बेटा अली रजा। और दूसरा बेटा बात यह है कि जो आप लोगों को मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर आप कलेक्शन कुछ कर लेंगे तो ये आपको इसके नंबर मिल सकते हैं, तो कलेक्शन कुछ लोगों ने की है जी बेटा, ये मैंने बताया था आपको कि अभी उसका टाइम था कि आप लोग कलेक्शन शुरू करें अपनी, तो अगर आपने कलेक्शन की है तो वंडरफुल, नहीं की तो फिर जाहिर के फिर तो उसके लिए हमें फिर और डिसाइड करना पड़ेगा। तो कलेक्शन अगर आपने की हुई है तो कलेक्शन करें, और जो पैरास्टाइड निकला है हमारा क्या नाम है इसका क्रिटिजिया ग्लोमेरेटा, उसको भी आप अपनी कलेक्शन में लगा सकते हैं। तो बेटा ये देख लीजिए, आप मुझे जो कलेक्शन कोशिश कीजिए फील्ड से मिल जाए तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताने हैं कि कितनी आपके पास कलेक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह मजीद देखेंगे, और आपने अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक तैयार करनी जिसमें क्रिटिजिया को भी लाजमी लिखना है और जो लेक्चर दे रहा हूँ वो भी लिखना है, क्रिटिजिया को जो प्रैक्टिकल किया उसको पिक्चर्स के साथ लगाना है। ठीक है बेटा, इसमें जो बायो कंट्रोल हैं, प्रीडेटर्स हैं, पैरास्टाइड्स हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं, कोई निप्ट्रा की जो क्या है जो क्या नाम है उसका ड्रैगन फ्लाइज हो सकती हैं, और जो बाकी प्रीडेटर्स हैं मैंने आपको लिस्ट भेजी हुई है उसमें से आप देख लीजिए, और जो पैरास्टाइड्स के नाम दिए हैं प्रीडेटर्स के फैमिली ऑर्डर दिए हुए हैं वो आपने याद करने पेपर में, उसमें से आएगा लाजमी आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपको फैमिली नेम उनका ऑर्डर नेम सब चीजें आनी चाहिए, तो उनकी पिक्चर एक लेके लगाए ना इसके ऊपर नेट के ऊपर अपनी क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम मजीद देख लेंगे कि कैसे इसको करना है। ठीक है।